तो कुछ कुछ सामान को साइड कर दिए दोस्तों, किचन टेबल के अंदर घुसा दिए हैं। और इधर देखिए चावल यहाँ पर रखा हुआ है। अब चावल का ड्राम को ऊपर चढ़ा देते हैं। अब चलिए साइड हुई इधर कर देते हैं। तो सारा सामान को एक जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया से सजा दिए हैं। जय बजरंग बली। देखिए अंदर घुसते ही कितना मस्त लग रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह देखिए हम लोग लग गए हैं खाना पीना बनाने की तैयारी में। भात हम लोग का बन गया है दोस्तों, अभी हम लोग बनाएंगे सब्जी। तो देखिए पहले हम लोग साग वगैरह काट लेंगे, उसके बाद में दाल में डाल देंगे, है ना जी? हाँ, कुर्थी दाल में। कुर्थी दाल में डाल देंगे, अच्छा लगेगा खाने में। देखिए कितना अच्छा ताजा साग है, पूरा एकदम हरा भरा साग है, क्या जी? हाँ। और इधर देखिए लक्ष्मी को कितना मस्त खेल रही है सुबह सुबह, फोकना उड़ा उड़ा के खेल रही है, क्या लक्ष्मी? इधर आओ, इधर इधर उधर, फूट जाएगा फूट जाएगा फूट जाएगा, इधर आओ। नहीं फूटेगा नहीं फूटेगा, जाओ, उड़ाने के लिए बोल रही है लक्ष्मी, चलो उड़ा देते हैं। देखिए कितना अच्छा खुश हो जाती है लक्ष्मी। तो चलिए जी फटाफट साग को काटिए, है ना? हाँ। और दाल में डाल दीजिए, धो लेंगे। हाँ, बढ़िया तरह से धो लेंगे, उसके बाद में फिर काटना है। काटना है, चीरेंगे। और ये वाला साग को पालक साग बोलते हैं दोस्तों। देखिए कितना मस्त साग है, एकदम पूरा एकदम खून जो है ना लाल हो जाता है ये सब साग में, क्या जी? इस सब में ज्यादा आयरन पाया जाता है, इसलिए पालक साग को खाते हैं खून लाल होने के लिए, और ताकत भी बढ़िया मिलता है, और एकदम एक नंबर का पौष्टिक चीज है ये। तो इसीलिए हम लोग कभी कभार जो है पालक साग खाते हैं। हम लोग बाड़ी में भी लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, नहीं तो हम लोग का डेली चलेगा। छोटा छोटा है। हाँ, अभी छोटा छोटा है। सारा जड़ को काट दीजिए, है ना? उसके बाद में धोएंगे। हो गया ना? तो इतना पालक साग का जड़ काट लिए हैं दोस्तों, और देखिए गमला में रख दिए हैं। अब चलते हैं इसको धोते हैं, है ना जी? गमला नहीं है, डेग है। हाँ, गमला डेग दोनों बोल सकते हैं, पतीला भी बोल सकते हैं। देखिए एक मुठा साग को रख दिए हैं, अब इसको चलते हैं अंदर रख देंगे, है ना जी? हाँ, इसको पहले धो के आते हैं, उसके बाद में एक ही बार रख देंगे। और इधर देखिए माँ को अभी बैठ लिए हैं और अभी दतवन कर रहे हैं देसी वाला ब्रश, क्या माँ? ठीक। हो जाएगा। ठंडा लग जाएगा। तो साग को बढ़िया तरह से धो लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसको काटने के लिए। चलो लक्ष्मी, चलो। हाँ, चलो चलो, उसको लेते जाएगी प्लेट। क्यों पाने जा रहे हैं? साग काटने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं साग काटने के लिए। देखिए तो पालक साग को बढ़िया तरह से काट लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं डाल देते हैं दाल में। देखिए दाल भी सीझ ही गया है, इसको भी डाल देते हैं, साथ में सीझ जाएगा और भी। सब डाल दिए, अब इसको बढ़िया तरह से चला देते हैं, पूरा मिक्स कर देंगे दाल के साथ में, पूरा एकदम घुल मिल जाएगा, पूरा मस्त बन जाएगा। चलिए डाल दीजिए ढक्कन। तो उधर हम लोग का दाल और साग सीझ ही रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। देखिए भोरे भोरे हम लोग सिझाए हुए हैं, आलू सिझाए हैं, राहर मटर, और इसमें सीम भी डाल दिए हैं। देखिए एक दो को सीम भी मिलेगा, लक्ष्मी खा गई शायद। हाँ, देखिए इसका हाथ में है, कैसा लग रहा है लक्ष्मी? बढ़िया। अच्छा चलो अब हम भी खाते हैं। देखिए मटर कितना मस्त सिझाए दोस्तों,
और पूरा एकदम बड़ा बड़ा दाना है मटर का। लो लक्ष्मी खाओ। देखिए माँ भी आ गई खाने के लिए। खाइए माँ। हाँ खा रहे। टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है। देखिए इधर से कविता जी भी आ गए राहर और मटर खाने के लिए। मम्मी भी खाएगी। लीजिए आप इधर खाइए। तो देखिए हम लोग बाहर में सभी कोई बैठ गए हैं दोस्तों। कविता जी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी भी साथ में बैठी है और माँ भी बैठे हुए हैं। पूरा एकदम धूप का आनंद लेते जा रहे हैं और देसी नाश्ता का भी आनंद ले रहे हैं। क्या माँ, चलिए खाइए फटाफट। हाँ हाँ खा रहे हैं। तो नाश्ता पानी तो हम लोग का हो गया दोस्तों और खाना पीना भी सब बन के रेडी हो गया है। देखिए आज बना हुआ है दाल साग और आलू गोभी का सब्जी और भात, है ना जी। अब खाते हैं फटाफट। आओ लक्ष्मी। तो खाना पीना हम लोग का हो गया दोस्तों और देखिए अभी फूफा जी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और इधर देखिए लक्ष्मी को अभी खेल रही है पूरा। क्या लक्ष्मी, इधर ही खेलो इधर। हाँ तो अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा किचन रूम को सजा देते हैं। पूरा एकदम इधर उधर सामान वगैरह बिखर गया है और सोच रहे हैं दोस्तों बाहर में जो चौकी रख दिए हैं उसको अंदर घुसा देते हैं, क्योंकि हम लोग आदमी काफ़ी बढ़ गए हैं और मिस्त्री लोग भी आ गए हैं और भी। तो सोच रहे हैं कि इसको घुसा देते हैं अंदर और यहीं पर सोएंगे, है ना जी। हाँ देखिए यहाँ पर चौकी ऐसे ही रखा हुआ है तो सोच रहे हैं कि इसको अंदर घुसा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोते हैं ना तो काफ़ी एकदम ठंडा लगता है क्योंकि दोनों साइड से हवा आता है। तो सोच रहे हैं कि अंदर ही घुसा देते हैं और वहीं पर बेड वगैरह लगा देते हैं बढ़िया तरह से। किचन को भी सजा देंगे और बेडरूम को भी पूरे एकदम बढ़िया तरह से सजा देंगे चौकी वगैरह बिछा करके, है ना जी। देखिए इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है इधर उधर, इस सबको सरियाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों फटाफट सामान को इस साइड में करते हैं, है ना जी। और यहीं पर चौकी को घुसा देते हैं और इसको बेडरूम बनाते हैं। ये सब साइड कीजिए। चावल को पूरा अंदर घुसा दीजिए किचन टेबल के अंदर, है ना। लाइट जला रहे हैं जी। ये लक्ष्मी लाइट खोल दे। लाइट क्या करेगी अभी, रख दीजिए ना उसको। तो फटाफट इसी तरह से सारा सामान को साइड कर देते हैं। तो कुछ कुछ सामान को साइड कर दिए दोस्तों, किचन टेबल के अंदर घुसा दिए हैं और इधर देखिए चावल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको भी साइड ही कर देते हैं। अब चावल का ड्राम को ऊपर चढ़ा देते हैं, यहीं पर रहेगा, इसको ढक्कन लगा लीजिए जी। चलिए साइड हुई, इधर कर देते हैं। तो इसी तरह से फटाफट सारा सामान को साइड कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद में चौकी को घुसा देंगे और अच्छा तरह से हम लोग बनाते हैं बेडरूम, यहीं पर सोएंगे क्या जी। तो सारा सामान को एक जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया से सजा दिए हैं। अब चलते हम लोग फटाफट झाड़ू लगाते हैं और घुसाते हैं चौकी, है ना जी। हाँ। चलिए झाड़ू लगाइए। बगल कर दे। अच्छा ये डिस्टर्ब डाल रहा है ना। जय बजरंगबली। चलिए झाड़ू लगाइए। पूरा धूल उड़ रहा है, ये कितना गंदा हो गया था, पूरा साफ सफाई किए ना तो बढ़िया लग रहा है अब। तो झाड़ू वगैरह हम लोग बढ़िया तरह से लगा लिए हैं दोस्तों, देखिए पूरा एकदम साफ कर दिए हैं और किचन तो हमारा सज ही गया है। देखिए इधर सब रख दिए हैं और देखिए इधर रहा हमारा चूल्हा, इसको भी पूरा एकदम झाड़ू वगैरह लगा करके साफ कर दिए हैं। अब चलते हैं चौकी घुसाते हैं, है ना जी। चलिए देखिए चौकी का भी सारा लेदरा जो है उधर कर दिए हैं, अब इसको उठाते हैं और अंदर घुसाते हैं। उधर पकड़िए। तो चौकी वगैरह सब खड़ा कर लिए हैं दोस्तों, अब इसको अंदर घुसाते हैं। चलिए रुकिए रुकिए रुकिए। जय बजरंगबली। चलिए उल्टा हो गया जी, पकड़िए उधर। चलिए रखिए। चलिए हो गया ना,
देखिए इधर जगह भी बच गया, उधर भी बच गया। तो चौकी को पूरा बढ़िया तरह से बिछा दिया दोस्तों, और देखिए नीचे में लगा दिए हैं ईंटा। देखिए इस तरह से ऊंचा कर दिए हैं, थोड़ा सा ये ऊंचा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और अच्छा से खाद भी गया है, अब ये मजबूत हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, है ना जी। और इधर देखिए लक्ष्मी को राहर का डोंगा लेके आ गई है और अभी खा रही है। तो किचन के अंदर में तो चौकी बिछा ही दी दोस्तों, अब चलते हैं लेदरा लेकर के आते हैं और बिछा देते हैं। आइए जी, चलिए लेदरा उठाइए। देखिए हम लोग का देसी बेड पुआल का, यहीं पर सारा बेड को रख दिए हैं, यानी बिछावन को, लेदरा वगैरह को, सारा लेदरा यहीं पर है हम लोग का। अब लेकर के चलते हैं और बिछाते हैं। आइए लेके, चलो चलो लक्ष्मी, चलो 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 लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो। अब इधर बिछाएंगे, जय हो। रुकिए पहले इसको बिछाने दीजिए। साइड हो जाओ लक्ष्मी, बिछाने दो तब ना यहाँ पर खेलेगी। खेलना सही है, बैठना है। हाँ बेडशीट बिछाइए, हो गया। तो बेडशीट को भी बढ़िया तरह से बिछा दिए हैं दोस्तों, और देखिए कंबल भी ले आए हैं और तकिया भी लाए हैं, अब इधर लगा देते हैं। तो फाइनली कलवर घर को देखिए स्वर्ग जैसा सजा दिया दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त लग रहा है एकदम देखने में। इधर रहा बेडरूम और उधर रहा किचन, दोनों एक ही रूम में सजा दिए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में। मिट्टी का घर में इस तरह से सजा दिए हैं दोस्तों, पूरा एकदम खूबसूरत लग रहा है एकदम देखने में। और वो भी कलवट घर में, देखिए ऊपर में रहा छान और नीचे रहा मिट्टी का दीवार, और देखिए नीचे रहा बेडरूम, देखिए कितना मस्त लग रहा है एकदम देखने में। देखिए एक साइड में हमारा किचन रहेगा दोस्तों, और एक साइड में रहेगा हमारा बेड, देखिए कितना अच्छा लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पर बिछावन वगैरह सब लगा दिए तो बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। अब हम लोग यहाँ पर खाना पीना भी बनेगा हम लोग का, और यहाँ पर हम लोग बैठ करके आराम से अपना भजन कीर्तन जो भी रहेगा यहाँ पर बैठ करके कर सकते हैं। लक्ष्मी को यहाँ पर पढ़ा भी सकते हैं, एक साइड में खाना बनते रहेगा और एक साइड में हम लोग बैठ करके कुछ भी काम कर सकते हैं। तो दोनों सुविधा एक साथ में हो गया, और यहाँ पर ठंडा भी नहीं लगेगा दोस्तों, इतना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, क्योंकि बाहर में ना काफ़ी ठंडा लगता है। तो वहाँ से चौकी को यहाँ पर घुसा दिए, ऐसे भी चौकी वहाँ पर खाली रहता था, कोई नहीं सोता था वो ठंडा के डर से। तो सारा चीज़ यहाँ पर व्यवस्था कर दिए, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है, पूरा परिवार यहाँ पर सो सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठंडा में आराम से बचेंगे। और यहाँ पर हाथियों से बचने के लिए भी जानते ही हैं दोस्तों, हम लोग का देसी जुगाड़ है कलवर घर, क्या जी। हाँ। चलिए हम लोग का कलवर घर किचन भी हो गया और हमारा कलवर घर बेडरूम भी हो गया, दोनों एक ही साथ हो गया। देखिए अंदर घुसते ही कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, एक साइड में बेडरूम और एक साइड में किचन, दोनों एक साथ में देख करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग का सब कुछ होगा, यहाँ पर खाना भी बनेगा, यहाँ पर भी सो भी सकते हैं, यानी कि एक साथ में डबल काम। देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम, पूरा सजा दिए ना तो और भी बढ़िया लग रहा है। सामान का पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग का सामान कितना है, इधर उधर बिखरा रहता था ना तो पूरा एकदम इधर उधर एकदम सामान बिखर जाता था, एकदम पूरा खराब हो जाता था। अब हम लोग पूरा एकदम सरिया दिए हैं किचन का सामान को, तो अब बढ़िया लग रहा है, क्या जी। हाँ, बढ़िया लग रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत मस्त। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए पूरा एकदम सजा दिए दोस्तों बढ़िया तरह से, तो सभी को एकदम पूरा खुश हो गए, कविता जी तो और भी खुश हो गए, है ना जी। हाँ। माँ और पिताजी देखेंगे तो और भी खुश हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से आज हम लोग सजा दिए दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।